फरहत से मिले। उसका ज्यादा वक्त अस्पताल में मरीजों की खिदमत करते हुए गुजर जाता है। बाज़ औक़ात मरीजों की वफात पर उनके खानदान का गम नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपने गम के इजहार के लिए जब तशद्दुद का रास्ता अपनाया तो फरहत को शदीद खतरा महसूस हुआ और उसने विमेन सेफ्टी ऐप में मौजूद अलर्ट बटन को दबा दिया। अम्मी रोज कहती हैं कि वो उसको कॉलेज छोड़ आएंगी, लेकिन रोमेसा नहीं चाहती कि उसकी अम्मी काम के लिए लेट हो। रोमेसा को अकेले कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन ये सवाल किसी और ही मकसद से आए हैं। रोमेसा को अचानक ख्याल आता है कि उसका मोबाइल तो उसकी जेब में ही है। वो मोबाइल में मौजूद विमेन सेफ्टी ऐप का अलर्ट बटन दबा देती है। चाहे बुशरा जितनी भी मेहनत कर ले, उसके खाविन के लिए नाकाफी है। वो खाविन के गुस्से का अक्सर शिकार रहती है और वो छोटी छोटी बातों पर उसको डांट देता है। बुशरा सोचती है कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है, क्या वो वाकई घर पर कोई काम सही नहीं कर पाती। उसको याद पड़ता है कि उसकी बहन ने उसको कहा था कि तुम इतनी परेशान रहती हो, मेरा मशवरा मानो। विमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट के जरिए माहरीन से मशवरा लो, शायद कोई हल निकल आए। पंजाब पुलिस की तरफ से खवातीन के तहफ्फुज के लिए विमेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ की जा चुकी है, क्योंकि खवातीन का तहफ्फुज पंजाब पुलिस की तरजीह। तहफ्फुज हर औरत का हक है, चाहे वो बाजार में हो, काम पर हो या अपने घर पर हो। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने खवातीन के लिए विमेन सेफ्टी ऐप का इजरा किया है ताकि उनको तहफ्फुज फराहम किया जा सके। अलर्ट बटन के जरिए हमारे ड्यूटी ऑफिसर के पास कॉल पहुंच जाएगी और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। विमेन सेफ्टी ऐप की बुनियादी सहूलियात हैं अलर्ट बटन, लाइव चैट, लोकेशन रिव्यू, इमरजेंसी नंबर्स। लाइव चैट के जरिए फौरन पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के नुमाइंदे से राब्ता कीजिए। लोकेशन रिव्यू इस्तेमाल करें और मैप के जरिए मालूम करें कि कौन से मकामात महफूज हैं। जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज मैंने लिया, पहली ही मीटिंग में मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया था कि जी हम एक इस तरह का ऐप बनाएंगे जिससे हम अल्टीमेटली एक सेफ्टी और सिक्योरिटी अपनी बहनों को, बेटियों को दे सकें ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर। तो ये बेसिक विजन था इसके पीछे। मेरी गुजारिश यही होगी कि तमाम ख्वातीन जो बेशक अकेले मूव करती हैं, इवन विद फैमिली मूव करती हैं, अपनी बच्चियों को खास तौर पे इनक्रेज करें, इंसिस्ट करें कि वो ये इंस्टॉल करें। जब कभी ऐसी सिचुएशन फील करें जहाँ पे उनको फौरी तौर पे मदद चाहिए, तहफ़ चाहिए, रिस्पांस चाहिए, वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हमारे साथ कनेक्ट हो। आपको जिस ज़िले में भी आप होंगे, जहाँ किस किस्म की आपको मदद की ज़रूरत होगी, जो रिलेटेड एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। जब भी हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप पर कोई अलर्ट आता है तो हमारी कोशिश होती है जल्द अज़ जल्द लोकेशन फाइंड की जाए उस औरत की और वहाँ पर पुलिस जल्द अज़ जल्द भिजवाई जाए ताकि मसला हल कराया जा सके।
इसके अलावा बहुत सी औरतें हैं जो शाय फील करती हैं अपनी प्रॉब्लम को बताने में लोगों को, तो उनके लिए चैट का हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ताकि वो उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो आराम से अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकें। जैसे ही हमें कॉल सेंटर से कॉल रिसीव होती है, हम लोकेशन पर पहुंचकर जल्द अज जल्द प्रॉब्लम को सुनकर उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बहनों को बेटियों को एक सेफ सिक्योर स्ट्रीट्स रोड्स शॉपिंग सेंटर्स पार्क्स हर जगह पे हम उनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी दें। खवातीन का तहफ्फुज़ पंजाब पुलिस की तरजीह। बराए मेहरबानी वुमेन सेफ्टी ऐप या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 15 सिर्फ हंगामी सूरत में इस्तेमाल करें।